हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाबी स्टाइल राजमा रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा यमी टेस्टी बनते हैं। तो राजमा रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे 300 ग्राम राजमा चाहिए, जिनको मैंने कुकर प्रेशर में बॉयल होने के लिए रख दिए तो हैं। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले तो यहाँ मैंने लिए हैं अदरक लहसुन, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। लहसुन की यहाँ मैंने 7 से 8 तुरियां ली थी और अदरक मैंने यहाँ थोड़ी सी ली थी, तो इनको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिए, यहां आप देख सकते हो। तो यहां मैंने लिए है 1 चम्मच जीरा और यहां मैंने अपनी अदरक ली है, जिनको लंबा लंबा ऐसे काट लिया है इस शेप में। और यहां मैंने हरी मिर्च ली है, मिर्च यहां मैंने मोटी वाली ली है, क्योंकि जो पतली वाली होती है वो काफी ज्यादा स्पाइसी हो जाती है और राजमा हमारे नहीं तो स्पाइसी बनेंगे, तो मैंने इनको लंबा लंबा कुछ ऐसी शेप में काट लिया है। अगर हम मसालों की बात करें तो यहां मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा यहाँ नमक लिया है मैंने, आधा छोटा चम्मच के करीब। यहाँ मैंने लिए है काली मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये तीनों चीजें मैंने आधे आधे चम्मच ही लिए हैं। यहाँ तड़का लगाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है और यहाँ थोड़ी सी हींग ली है। तो यहाँ मैंने लिए है 3 प्याज, जिनको मैश कर लिया है। तो अब टमाटर की बारी आए तो यहाँ मैंने 6 से 7 टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने मैश कर लिया है। और मेरे 300 ग्राम अगर राजमा है तो 6 से 7 टमाटर ठीक होंगे। आप चाहो तो टमाटो प्यूरी भी ले सकते हो, आधा कटोरी टमाटो प्यूरी या फिर 1 कटोरी टमाटो प्यूरी भी काफी रहेगी, नहीं तो मैंने यहाँ इनको मैश कर लिया। तो अब हम चलते हैं तड़का लगाने के प्रोसीजर में। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और फिर हम डालेंगे हींग और इसको ऐसे हम 1-2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ अपना अदरक लहसुन और इसको 1 मिनट के लिए सिम पर ही फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसकी बजाय अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हो। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर को हम ऐसे बाकी मसालों के साथ ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे हमारे मैश हुए हुए प्याज और इसको हम ऐसे करके मिक्स कर लेंगे अपने बाकी मसालों के साथ। अब हम अपने प्याज को 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही फ्राई होने के लिए रख देंगे। अब हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर मैश किए हुए हमारे, तो हम प्याज के साथ ही ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। अब हमारा जो तड़का है जब तक फ्राई नहीं हो जाता तब तक इसको ऐसे ही 2 मिनट के लिए गैस पर मीडियम फ्लेम पर ही छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो हमारा तड़का अच्छे से भुन रहा है और हम इसको ऐसे हल्का फुल्का ऐसे चलाते रहेंगे। हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे काली मिर्च और अब हम इसको अच्छे से तड़के में मिक्स कर लेंगे। हम दोबारा इसको 30 सेकंड के लिए फ्राई होने के लिए रख देंगे, मीडियम फ्लेम ही रखेंगे हम अपनी गैस का और इसको ऐसे कवर कर देंगे लिड से। और ये चीज ध्यान रखना, हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, हाई फ्लेम पे रखोगे तो तड़का जल भी सकता है। ऐसे हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा तड़का रेडी हो चुका है। मुझे कैसे पता चला, जैसे हमारा घी छोड़ना शुरू हो गया है तड़का, देखो। तो तड़का तो हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम वो वाला डालेंगे जिसमें हमने जो हमारे राजमा उनको बॉईल करा था, वही वाला पानी हम इसमें डाल देंगे। अपना पानी डाल लेंगे सारा और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे और हम जो हमारा फ्लेम है उसको हम हाई रखेंगे। हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर ही ऐसे छोड़ देंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। अगर आपको तरी ज़्यादा बनानी है इसकी और चावल के साथ लेना है तो इसमें वाटर ऐड कर दीजिए, नहीं तो अगर आपको वैसे रोटी के साथ नॉर्मली खाना है तो आप इसमें इसको इतना ही काढ़ा रहने दें। और मैंने इसको थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया और इसको ऐसे हिला रही। हम इसमें डालेंगे अदरक और अपनी हरी मिर्च, तो इससे काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है और मोटी वाली हरी मिर्च से तो काफी ज्यादा आ जाता है टेस्ट, यहाँ आप देख सकते हो। इसको ऐसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे।
वैसे जब हमने राजमा बॉईल करे थे तब हमने थोड़ा सा नमक डाला ही था, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि ज्यादा नमक हो जाएगा नहीं तो। आधा छोटी चम्मच ही नमक डाल देंगे और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो चुकी है और इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे राजमा। अब हम अपने सारे राजमा डाल देंगे। मैंने इनको बॉईल कर लिया है 10 से 15 मिनट और हम इसको ऐसे मिक्स कर देंगे इससे। अब हम फिर से इसको 3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हमारे जो राजमा है वो अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, इसमें डालेंगे थोड़ा बहुत धनिया, मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर, बटर से टेस्ट काफी अच्छा आ जाता है राजमा में। इसको ऐसे हल्का बहुत मिक्स कर लेंगे। हमारे राजमा रेडी हो चुके हैं तो अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। हाँ, मैंने एक प्लेट में अपने राजमा को सर्व कर लिया है और ऊपर से थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया डाल देंगे। डेकोरेशन के लिए हम इसमें थोड़ा सा बटर रख देंगे। अब हम इसमें थोड़े से जैसे अनियन के रिंग्स हैं उनको ऐसे साइड पे सजा देंगे कि ताकि ये दिखने में भी काफी अच्छे लगे। तो ये है हमारे गर्मा गर्म राजमा। आप इसको जीरा राइस, प्लेन राइस या फिर नान रोटी के साथ भी ले सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे राजमा बनके रेडी हैं और कितने ज्यादा यम्मी और डिलीशियस लग रहे हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हुई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।